वेलकम स्टूडेंट्स इन द लास्ट क्लास वी टॉक अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, हाउ होमोलोगस ऑर्गन्स इवॉल्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जैसा कि आप यहाँ ये यह डायग्राम देख पा रहे हैं एक ओरिजिनल ग्रुप होता है एनिमल्स का और उनमें से उन्ही एनिमल्स में से डिफरेंट एनिमल्स लेटर ऑन इवॉल्ड होते हैं जो डिफरेंट हैबिटेट के लिए अपने आप को अडोप्ट करते हैं और इस तरह से उनमें जो एक कॉमन organ है वो कॉमन organ अलग अलग स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो जाता है एक्सटर्नल अपियरेंस अपीयरेंस चेंज हो सकती है उनका फंक्शन डिफरेंट हो सकता है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर सभी का सेम रहेगा इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं हम उन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं हमने होमोलोगस ऑर्गन्स के कई सारे एग्जाम्पल स्टडी किए हैं आपको याद होगा सभी जो मैमल्स हैं उनके फोर लिम्स या उनके हाइंड लिम्स और मैंने आपको इतना भी बताया है कि इवन जितने भी टेट्रापोड हैं एम्फीबिया से लेकर मेमिलिया तक इन सभी के जो लिम्स हैं दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स इसके अलावा हमने और भी मोलिकुलर होमोलॉजी के बारे में भी बात करी पिछले लेक्चर में कि होमोलॉजी हमें सिर्फ ऑर्गन्स में ही देखने को नहीं मिलती है बल्कि हमारे जो डीएनए है हमारे जो जीन्स हैं हमारी जो प्रोटीन्स हैं उनमें जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है इवन हमारे जो आर हैं उनमें भी हमें होमोलॉजी देखने को मिलती है देर देर इज़ ए सिक्वेंस होमोलॉजी इसे हम मॉलिकुलर होमोलॉजी के नाम से भी जानते हैं तो हमने इस तरह से इस मॉलिकुलर होमोलॉजी के बारे में भी बात करी और फाइनली हमने ये एक पॉइंट डिस्कस किया कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो किस तरह के इवोल्यूशन को शो करते हैं तो डिस्कस किया हमने कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं उनकी प्रेजेंस जो है वो ये बताती है कि देर इज़ अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन द सेंस कि एक कॉमन ग्रुप कोई एनिमल्स का है उससे अलग अलग एनिमल्स जब इवॉल्व होंगे तो उन एनिमल्स में होमोलोगस ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे इसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अडप्टिव रेडिएशन या अडप्टिव डाइवर्जेंस कहते हैं दो एग्जाम्पल मैंने अडप्टिव रेडिएशन्स के लिए हैं एक ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स हैं उसमें एक कॉमन मार्सुपियल एनसिस्टर है उसी कॉमन मार्सुपियल एनसिस्टर से लेटर ऑन ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने डार्विन की फिंचेस का लिया है कि एक ओरिजिनल जो सीड ईटिंग फिंच थे उसी फिंच से कई अलग अलग तरह की फिंचस का इवोल्यूशन हुआ है जिनकी बीक का जो शेप है वो चेंज होता गया और उनके जो बीक के फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट फूड के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो गए सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ़ होमोलोगस ऑर्गन्स एंड अडप्टिव रेडिएशन नाउ टूडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट एनालोगस ऑर्गन्स बच्चों डेफिनेशन एनालोगस ऑर्गन्स की आपने पढ़ी होगी पहले ये होमोलोगस ऑर्गन से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा इसमें जो ऑर्गन्स होंगे उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम होगी उनका फंक्शन सेम होगा लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर और ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट होगा और एक मेन पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है कि जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं वो कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको एनालोगस ऑर्गन्स डेवलप कैसे होते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कुछ एनिमल्स हैं यहाँ हम बात करते हैं कि मान लीजिए कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं ओके okay, एक और हमारे पास एनिमल्स का ग्रुप है मान लीजिए ये रेप्टाइल्स हैं ओके देन वी हैव अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स ये मान लीजिए बर्ड्स हैं कोर्डेटा में आती है एंड वी हैव अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स ये मान लीजिए हमारे पास मेमल्स हैं ओके स्टार्टिंग फ्रॉम आर्थ्रोबोड्स यहाँ से शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं इंसेक्ट्स जो अपने आप को हवा में रहने के लिए अडोप्ट करते हैं तो हवा में रहने के लिए उड़ने के लिए दे विल नीड विंग्स तो विंग्स की बात बाद में करें सबसे पहले तो ये देखें कि वो कहाँ रहने गए वो एयर में रहने गए और एयर में रहने के लिए उन्होंने क्या डेवलप किए एयर में रहने के लिए उन्होंने विंग्स डेवलप किए सिमिलरली कुछ बर्ड्स बर्ड्स सभी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बर्ड जो हैं वो उड़ती है तो रेप्टीलिया से बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ है और उन्हीं बर्ड्स में विंग्स का वो भी एयर में रहने गई और उनमें विंग्स का डेवलपमेंट हुआ इवन कुछ रेप्टाइल्स भी थे अभी प्रेजेंटली तो नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा उड़ने वाले डायनासोर जैसे हैं टेरोडेक्टाइल टेरोडेक्टाइल अब तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है पर कुछ रेप्टाइल्स भी थे जो उड़ने लगे हवा में रहने लगे तो उनमें भी एयर में रहने के कारण विंग्स का डेवलपमेंट हुआ और मेमल्स में जो कुछ हैं लाइक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेना चाहूँगा बैट इनका इनमें भी हवा में रहने के लिए विंग्स का इवोल्यूशन हुआ एक चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि एयर एयर मतलब ये हो गया कि ये सभी हवा में रहने गए तो एयर जो है ये हमारे पास एक कॉमन हैबिटेट है कॉमन हैबिटेट जो सभी में कॉमन रहा है कि सभी एनिमल्स हवा में रहने गए और हवा में रहने के लिए उनमें विंग्स का इवोल्यूशन हुआ नाउ द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर ये यह हमारे पास जो चार ग्रुप हैं एनिमल्स के आर्थ्रोपोड्स बर्ड्स मैमल्स और टेरोडेक्टाइल ये इनमें से ओरिजिनली किसी के भी पास विंग्स पहले से नहीं थे दूसरा पॉइंट ये जो चार एनिमल ग्रुप मैंने यहाँ बताए हैं इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं ये काफ़ी डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज़ है आर्थ्रोपोड्स बर्ड्स रेप्टाइल्स मेमल्स ये सभी डिस्टेंट स्पीशीज़ है क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स नहीं है और लेकिन क्या हुआ कि इस हर ग्रुप में से कुछ एनिमल्स कॉमन हैबिटेट में चले गए किसी एक जगह पर रहने चले गए और उन्होंने अपने आप को उस कॉमन हैबिटेट के लिए इवॉल्व किया और उस हैबिटेट में रहने के लिए अगर किसी एक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है कंपलसरी है तो वो ऑर्गन उनमें धीरे धीरे इवॉल्व हुआ यानी इस केस में वो ऑर्गन क्या है विंग्स इवॉल्व हुआ तो यहाँ बच्चों ये यह जो विंग्स होंगे ये एनालोगस ऑर्गन्स होंगे एनालोगस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट इसी तरह से होता है यहाँ कॉमन एनसेस्ट्री नहीं है जो चार एनिमल्स हमने यहाँ शो किए हैं इनके कॉमन एंसिस्टर के पास विंग्स नहीं थे इवन रेप्टाइल में सिर्फ टेरोडेक्टाइल के पास लिंग्स विंग्स हैं बाकी जो दूसरे रेप्टाइल्स हैं उनके पास तो विंग्स भी नहीं हैं सिमिलरली मैमल्स की हम बात करें तो सिर्फ बैट्स में विंग्स हैं बाकी के मैमल्स में विंग्स नहीं है बर्ड्स में चलो सब में है लेकिन आर्थ्रोपोड्स में भी सभी आर्थ्रोपोड में विंग्स नहीं है कुछ एक पर्टिकुलर इंसेक्ट्स का ग्रुप है उन्हीं में विंग्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये क्लियरली है कि इन चारों एनिमल के जब ये जो इंडिविजुअल ग्रुप हैं उनमें से सभी के पास विंग्स नहीं है तो ऑब्वियसली इनके कॉमन एनसिस्टर के पास तो विंग्स नहीं है तो व्हाट हैज़ हैपन्ड इन दिस केस कि ये जो हमारे पास चार ग्रुप हैं इन्होंने इंडिपेंडेंटली विंग्स को इवॉल्व किया है और इनके कॉमन एंसेस्टर के पास विंग्स नहीं थे दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द होमोलोगस ऑर्गन्स क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन्स में जो स्ट्रक्चर जिसे हम होमोलोगस ऑर्गन कंसिडर करते हैं वो उनके कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट होगा एनालोगस ऑर्गन में कॉमन एंसेस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं होगी ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा तो बच्चों अब हम आते हैं एक बार इसके डेफिनेशन पर व्हाट आर एनालोगस ऑर्गन्स ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर एक्सटर्नल अपियरेंस यानी बाहर से देखने पर सेम हो सकते हैं आपको सभी के विंग्स एक जैसे लगेंगे बट दे हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ओरिजिन उनका जो ओरिजिन होता है उन ऑर्गन्स का उन विंग्स का वो डिफरेंटली वो ओरिजिनेट होते हैं उनका कोई कॉमन एंसेस्टर से लेना देना नहीं है तो क्या चीज आपको ध्यान रखनी है एनालोगस ऑर्गन में जो फंक्शंस होंगे एनालोगस ऑर्गन के इस बार डेफिनेटली सेम फंक्शंस होंगे ओके okay? और एक्सटर्नल अपियरेंस जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक्सटर्नल अपियरेंस भी सेम हो सकती है सेम हो सकती है एक्सटर्नल अपियरेंस लेकिन जो उनकी एनाटॉमी है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है उनका यानी कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे ऑर्गन्स का डिफरेंट होता है क्या इनमें कॉमन एंसेस्ट्री देखने को मिलेगी तो एनालोग ऑर्गन्स में ध्यान रखेंगे देर विल बी नो कॉमन एनसिस्टर कॉमन एनसिस्टर हो भी कैसे सकता आप तो इस डायग्राम को देखिए बच्चों ये बिल्कुल ऑपोजिट डायग्राम है जो हमने अडप्टिव रेडिएशन में देखा था अडप्टिव रेडिएशन में एक कॉमन एनसिस्टर होता है उससे अलग अलग ऑर्गन्स मॉडिफाई होते हैं यहाँ उल्टा हो रहा है यहाँ ये यह अलग अलग एनिमल स्पीशीज़ है जो आपस में रिलेटेड नहीं है पर हर एनिमल ग्रुप से कोई एक ऐसी स्पीशीज़ एक कॉमन हैबिटेट में चली जाती है तो उस कॉमन हैबिटेट में रहने के लिए उसमें वो पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलप हो जाता है उल्टा भी ले सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि मान लीजिए ये इनमें से हर एनिमल पानी में रहने चला गया तो जब पानी में रहने जाएंगे एक फिश हो गई पानी में रहती है कुछ एम्फीबियंस पानी में रहते हैं उसके बाद कुछ रेप्टाइल्स जो हैं फिर आगे बर्ड्स की बात करें पेंगुइन की बात करें मेमल्स में डॉल्फिन और वेल की बात करें बच्चों इन सभी के जो एनिमल्स हैं इन सभी एनिमल्स की अगर आप बॉडी की मॉर्फोलॉजी देखें स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी इनके पास मछलियों के पास फिन्स होते हैं लेकिन आगे जो बर्ड्स होगी उनके पास फ्लीपर्स होंगे या पेंगुइन होगी या जो डॉल्फिन होगी उनके पास फ्लीपर्स होंगे ये स्ट्रक्चर जो है इनके कॉमन एनसिस्टर के पास प्रेजेंट नहीं थे ये स्ट्रक्चर इन्होंने इंडिपेंडेंटली बाद में जाके इवॉल्व किए हैं तो दीज स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली कंसिडर्ड एज एनालोगस ऑर्गन तो एनालोगस ऑर्गन की ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि उनके फंक्शन सेम होंगे एक्सटर्नल अपेरेंस सेम हो सकती है इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा कॉमन एनसेस्ट्री नहीं होगी वो जो ऑर्गन होगा उसका ओरिजिन भी डिफरेंट होगा तो मैं मैंने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है एनालोग स्ट्रक्चर उसका ओरिजिन डिफरेंट होता है वो हर जो ग्रुप है वो इंडिपेंडेंटली उसको इवॉल्व करेगा तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया बच्चों यहाँ मैं एक टर्म और यूज़ करूँगा कि यहाँ आपको ये जो इवोल्यूशन दिखाई दे रहा है इन एनिमल्स का जैसे यहाँ पर जो हमारे पास है एनिमल्स है यानी इंसेक्ट्स बर्ड्स मैमल्स और जो टेरोडेक्टाइल है उड़ने वाला रेप्टाइल है ये इस तरह के इवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं बच्चों तो दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू तो द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जब कभी आपको होमोलोगस ऑर्गन्स मिलेंगे किसी एनिमल ग्रुप में तो वो एनिमल्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या अडप्टिव रेडिएशन को शो करेंगे ये जो एनिमल्स हैं ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे दे विल शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो ये इस तरह का इवोल्यूशन जो आपको यहां दिखाई दे रहा है कौन सा कि कॉमन हैबिटेट के लिए एक सिमिलर स्ट्रक्चर का डेवलप होना आई रिपीट डिफरेंटली रिलेटेड स्पीशीज में फिर से इस डायग्राम को देखते हुए हम इसको समझेंगे डिफरेंटली रिलेटेड स्पीशीज में कॉमन हैबिटेट के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर का डेवलप होना इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ओके और इसको हम अडप्टिव कन्वर्जेंस बी कहेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज अडप्टिव कन्वर्जेंस या फिर हम इसे पैरेलल इवोल्यूशन बी कहते हैं अडप्टिव कन्वर्जेंस या पैरेलल इवोल्यूशन बी कहेंगे इज दैट क्लियर तो तीन हमारे पास इसमें टर्म्स है बच्चों फाइन आगे बढ़ते हैं हम होमोलोगस ऑर्गन्स के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे बच्चों सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट एग्जाम्पल सबसे पहले हम जो अभी लिया है वही एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चों जो मैंने आपको बताया पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं विंग्स ऑफ ओके तो ये हमारे पास बच्चों चार यहां एग्जाम्पल लिए विंग्स ऑफ इंसेक्ट टेरोडेक्टाइल बर्ड एंड बैट बच्चों इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आपको समझना है और ध्यान रखना है मेरे पास एक डायग्राम है मैं आपको ये डायग्राम भी यहाँ शो करूँगा ये देखिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से समझेंगे आप हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं ये एक मौत यानी कि इंसेक्ट हो गया टेरोडेक्टाइल जैसा कि अभी मैंने आपको बताया टेरोडेप्टल एक कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है इट बिलोंग्स टू रेप्टाइल हमारे पास एक बर्ड है और एक बैट है इन चारों के जो विंग्स हैं ये मैंने ऊपर लिखा भी है आर एनालोगस ऑर्गन्स क्यों एनालोगस ऑर्गन्स हैं क्योंकि इनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम है फंक्शन सेम है लेकिन इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और इनकी जो एनाटॉमी है और इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है प्लस ये भी ध्यान रखें कि इन चारों एनिमल का जो कॉमन एनसेस्टर है उस कॉमन एंसिस्टर के पास ये विंग्स नाम की कोई चीज नहीं रही होगी इट इज वेरी ऑब्वियस ओके अब एक पॉइंट मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं आप इनके विंग्स को देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मौत, मौत का ये जो विंग है इंसेक्ट्स के जो विंग्स होते हैं ये काइटिन के बने होते हैं करेक्ट ओके टेरोडेप्टाइल में आप देख सकते हैं कि इनके जो फोर लिम्स हैं उसकी एक बोन यहां है फोर लिम्स की ये बोन देख सकते हो बाकी ये पूरा स्किन का एक्सपेंशन है बर्ड्स में देखें बर्ड्स में ये वाला पार्ट विंग्स है विच इज़ वेल सपोर्टेड बाई बोन्स तो उसमें ह्यूमरस रेडियस अलना वगैरह उससे ये विंग्स सपोर्ट होते हैं लेकिन जो अल्टीमेटली विंग्स बने हुए हैं वो फेदर्स के बने हुए हैं इधर हम बात करते हैं बैट के विंग्स की तो अगर आप बैट के विंग्स देखें तो उसमें बेटा ये ह्यूमरस रेडियस अलना बोन्स हैं प्लस ये उसकी फिंगर्स है और फिंगर्स के बीच में ये स्किन का एक्सपेंशन है और इसी स्किन के एक्सपेंशन से उनके विंग्स बने हुए तो ये इनका विंग्स हुआ यहां पर ये इनके विंग्स हुए ये विंग्स किसके बने हुए हैं फेदर के बने हुए और ये विंग यहां पर स्किन के बने हुए हैं ओके टेरोडेक्टाइल का विंग नो डाउट स्किन का बना हुआ है लेकिन आप यहां देख सकते हो इसमें सारी की सारी बोन्स नहीं है इज ए वन वन सिंगल बोन यहां दिखाई दे रही है। और मौत के जो विंग्स हैं वो तो डेफिनेटली काइटीन के बने हुए हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इन चार एनिमल के विंग्स किसका एग्जाम्पल है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कहेंगे कि ये एनालोगस ऑर्गन्स हैं लेकिन अब मैं यहाँ एक ट्विस्ट ला रहा हूँ और ध्यान से सुनना। मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ एक बार मौत की बात नहीं करता हूँ और मैं इन तीन एनिमल को कंसिडर करता हूँ एक रेप्टाइल है एक बर्ड है और एक बैट है मैं आपसे पूछूं कि रेप्टाइल बर्ड और बैट के जो विंग्स हैं आपसे पूछा जाए विंग्स तो ये विंग्स क्या होंगे नो डाउट विंग्स जो हैं वो इनके एनालोगस ऑर्गन्स हैं लेकिन अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाए थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए कि रेप्टाइल बर्ड और बैट इनके फोर लिम्स नाउ द पॉइंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल यहां ध्यान से समझेंगे अब मैंने क्या किया फोर लिम्स वर्ड यूज किया है नाउ इट इज वेरी क्लियर कि चाहे ये रेप्टाइल हो बर्ड हो या बैट हो इन तीनों एनिमल्स में इनके जो फोर लिम्स हैं वही विंग्स में मॉडिफाई हुए हैं लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको इनके फोर लिम्स पूछ लिया जाए तो देर फोर लिम्स बिकम होमोलोगस ऑर्गन्स ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है और इसलिए आपको ये ध्यान भी रखना है कि अगर एक वर्ड आपसे विंग्स आए विंग वर्ड आपसे यूज़ किया जाए क्वेश्चन में पूछा जाए तो नो no डाउट आप एनालोगस कर देना क्योंकि विंग अलग चीज़ है फोर लिम्ब अलग चीज़ है यहाँ पर वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है दिस पार्ट इज विंग्स ये पार्ट विंग है ये पार्ट विंग है और ये पार्ट विंग्स है तो ऐसे में इनके विंग्स जो हैं वो तो ऑर्गन हो जाएंगे लेकिन अगर इनके फोर लिम्स आपसे पूछा जाए कि टेरोडेक्टाइल बर्ड और बैट के फोर लिम्स क्या होंगे तो फोर लिम्स के केस में फिर आपको इनको होमोलोगस ऑर्गन कंसिडर करना पड़ेगा ये मैं अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं अब ऐसा क्यों करेंगे उसका कारण भी जान लीजिए होमोलोगस ऑर्गन के केस में हम क्या कहते हैं बच्चों विच ऑर्गन शुड बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस ऑर्गन तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गन जो उनके कॉमन एनसेस्टर में प्रेजेंट हो अगर वो कॉमन एनसेस्टर में ऑर्गन प्रेजेंट हो तो हम उसे होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं क्लियर अब मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं आपसे टेरो, टेरोडेक्टाइल बर्ड और बेट के फोर लिम्स क्या होंगे तो फोर लिम्स होमोलोगस ऑर्गन होंगे कारण कि ये तीनों के तीनों टेट्रापोडा से बिलोंग करते हैं इनसे पहले जो एम्फीबिया आए थे उन एम्फीबिया में ही हमारे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स इवॉल्व हो चुके थे एक डायग्राम अगर आपको याद हो तो मैं फिर से यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा पुराना डायग्राम है जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया लेक्चर की इस डायग्राम को देखिए आप अब ये डायग्राम हमारे पास है अब टेरोडेक्टाइल आपका रेप्टाइल्स को ढूंढे इनमें कहाँ है बच्चों ये रहे हमारे पास लिजर्ड और स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स समवेयर यहाँ पर आपके पास ये रेप्टाइल्स हैं और इन्हीं रेप्टाइल में हमारे पास कहीं पर वो टेरोडेक्टाइल भी आता होगा करेक्ट तो ये यहाँ टेरोडेक्टाइल है बैट हमारी मैमल्स में यहाँ बैट है ओके okay. और बर्ड्स ये रही है हमारे पास अब ये हमारे पास जो तीन एनिमल ग्रुप हैं मैमल्स बर्ड्स और ये रेप्टाइल्स इनका कॉमन एंसिस्टर ढूंढिए तो इनका कॉमन एनसेस्टर ये मिलेगा आपको और इस कॉमन एनसिस्टर में पहले से ही आप यहाँ देख सकते हैं फोर लिम्स आ चुके हैं तो इन सभी एनिमल में क्योंकि फोर लिम्स प्रेजेंट हैं तो इन सभी एनिमल के फोर लिम्स क्योंकि ये जो एनिमल है ना बच्चों ये जो टेरोडेक्टाइल रेप्टाइल से बिलोंग कर रहा है बर्ड से बिलोंग कर रहा है और बैड जो है मैमल से बिलोंग कर रही है तो इनके पास सभी के पास होमोलोगस ऑर्गन्स इनके जो फोर लिम्स हैं वो होमोलोगस ऑर्गन्स कंसिडर करेंगे क्योंकि इनके कॉमन एनसिस्टर के पास फोर लिम्स प्रेजेंट थे ओके okay, और हाइंड लिम्स भी प्रेजेंट थे लेकिन अब इनके विंग्स की जब बात करेंगे तो बर्ड के बर्ड के पास विंग्स होते हैं हम जानते हैं टेरोडेक्टाइल के पास भी विंग्स है हम जानते हैं बैट के पास भी विंग्स है हम जानते हैं लेकिन इनके कॉमन एंसेस्टर की अगर हम यहां बात करें यहां किसी के भी पास विंग्स नहीं है इन्होंने विंग्स बाद में लेटर ऑन इंडिपेंडेंटली इवॉल्व किए बर्ड्स ने अपने विंग्स इवॉल्व किए अलग से बैट ने अपने विंग्स बाद में अलग से इवॉल्व किए हैं और टेरोडेक्टाइल ने भी अपने विंग्स अलग से इवॉल्व किए इनके कॉमन एंसिस्टर के पास विंग्स प्रेजेंट नहीं थे तो इस क्वेश्चन में सेम एनिमल सेम स्ट्रक्चर लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्या जवाब देंगे कि अगर इनके विंग्स पूछा जाए तो देयर विंग्स आर होमोलोगस सॉरी देयर विंग्स आर एनालोग ऑर्गन्स लेकिन अगर इनके फोर लिम्स पूछा जाए देयर फोर लिम्ब आर होमोलोगस क्योंकि जो फोर लिम्स हैं वो इनके कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट थे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिज टू एनिमल्स अच्छा नाउ मौत को मैंने पहले से अलग निकाल लिया मौत को जैसे हम इंक्लूड करते हैं एग्जाम में क्या होता है बच्चों की ये जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ ये कई बार अच्छे से क्लियर कई लोगों को नहीं होती है क्वेश्चन कैसे भी आ जाए अब आपको उस समय अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा मैं यहां पर दो क्वेश्चन आपके सामने बनाता हूं कि आपसे पूछा जाए चार एनिमल विंग्स ऑफ विंग्स ऑफ बटरफ्लाई फिर एक बैट ले ले और एक बर्ड ले ले क्या करेंगे क्या जवाब देंगे हमारे पास कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है आराम से हम बात करेंगे कि दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स कोई दिक्कत ही नहीं हमें अब क्वेश्चन आए कि फोर लिम्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ बैट एंड बर्ड कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ सॉरी मैं ऊपर गलत गलती कर दी हमने यहाँ इसको करेक्ट करेंगे हम विंग्स पूछा है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बैट एंड बर्ड तो ये हमारे पास एनालोगस ऑर्गन हो जाएंगे ओके अब फोर लिम्स ऑफ बेट एंड बर्ड क्योंकि क्वेश्चन में लिम वर्ड यूज किया है फोर लिम्स तो लिम्स के केस में ये होमोलोगस ऑर्गन्स हो जाएंगे होमोलोगस ऑर्गन्स हो जाएंगे तो बच्चों हमें यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना है जो सेम स्ट्रक्चर जिसे हम विंग्स के नाम से जानेंगे तो वो एनालोगस और उसी स्ट्रक्चर को अगर हम फोर लिम्स की बात करेंगे तो इट विल बिकम होमोलोगस ऑर्गन तो इस तरह से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको बड़े ध्यान से देखना है आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम एनालोगस ऑर्गन के विंग्स ले लिए हमने दूसरा एग्जाम्पल हम जो लेंगे देट वुड बी द आईज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज़ ऑफ वर्टिब्रेट आइज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज़ ऑफ वर्टिब्रेट्स तो बच्चों ये ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट में मोलस्का में आएगा और वर्टिब्रेट्स में हम जितने भी हैं तो हमारी आइज़ और ऑक्टोपस की आईज फंक्शन सेम है देखने का काम करते हैं और कई बार इनका स्ट्रक्चर जो है बाहर से देखने पर भी काफ़ी सेम लगता है बट देर इज़ ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द आईज़ ऑफ दीज टू एनिमल्स आप यहाँ देखिए हमारे पास एक डाइग्राम है और इस तरफ ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर का डायग्राम है ये वर्टिब्रेट यानी कि फिश से फिश से लेकर मेमल्स तक किसी की भी आई हो सकती है ये वर्टिब्रेट आई है यहाँ पर और ये जो हमारे पास सेकंड नंबर का डायग्राम है ये एक मोलस्का यानी कि सिफिलोपोट जो ऑक्टोपस वगैरह आते हैं उनकी आईज है अब जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ध्यान से देखें आप दोनों की आईज़ में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर दिख रही है कॉन्ज एंड रोड्स ये न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड इनके न्यूरॉन्स यहाँ आगे की ओर है ये देखिए ये जो फाइबर्स ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है ये आगे की ओर है सो व्हाट विल हैपन कि जब लाइट गिरेगी तो लाइट पहले इन न्यूरॉन्स को क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ जाएगी रेटिना की तरफ जाएगी आया समझ में आपको तो ये फिर से क्लियर कर रहा हूँ कॉन्ज एंड रोड्स पीछे हैं और इनके न्यूरोस आगे की ओर है अब जब इनके न्यूरोन्स यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे तो डेफिनेटली इस वाले हिस्से में कॉन्ज एंड रोड्स प्रेजेंट नहीं है हो भी नहीं सकते अब आते हैं हम मोलस्का की आइज़ मोलस्का में क्या है बच्चों कि इनके जो फोटो रिसेप्टिव सेल्स से, है जो आप जिनको कॉन्ज एंड रोड्स के इक्विवेलेंट मानेंगे ये यहाँ आगे की ओर है और ये न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है तो न्यूरॉन्स इनके पीछे की ओर है और पीछे से ही वो पीछे की ओर बाहर निकल जाते हैं तो ऑक्टोपस की आई में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है कि अगर यहाँ पर लाइट गिरेगी तो आगे यहाँ पर ये कौन जन रोड्स है न्यूरोस बैक साइड में तो पीछे से ही बाहर निकल गए वर्टिब्रेट आई में क्या होता है बच्चों कि ये न्यूरो जो हैं यहाँ आगे की ओर है और जब ये यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे तो इस एरिया में फिर कौन जेंड रोड्स हो ही नहीं सकते क्योंकि उनको निकलने के लिए स्पेस चाहिए तो जो वर्टिब्रेड आइज़ होती है उनमें एक ब्लाइंड स्पेट स्पॉट होता है जो इनवर्टिब्रेड की आइज़ है पर्टिकुलरली मोलस्का की जो आइज होती है उनमें इस तरह का कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बच्चों मोलस्का की आइज़ में और वर्टिब्रेड की आइज में हमारी आइज़ में वर्टिब्रेड की आइज़ में रेटिना पीछे है उनके न्यूरोस आगे हैं और मोलस्का जो सिफिलोपोड्स होते हैं उनमें रेटिना आगे है और उनके जो न्यूरोस हैं वो पीछे की ओर है तो इस तरह से ये इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट हो गया एंड देर फॉर दे आर कंसिडर्ड एज एनालोग ऑर्गन्स तीसरा एग्जाम्पल जो मैं एनालोग ऑर्गन्स का आपके साथ में लूंगा सामने लूंगा दैट इज अबाउट फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ध्यान देंगे फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन फ्लीपर्स ऑफ डॉल्फिन दोनों के पास फ्लीपर्स होते हैं फ्लीपर्स ऑफ डॉल्फिन फाइन मेरे पास एक इसका एग्जाम डायग्राम है तो हम उनके डायग्राम्स देख लें दोनों के ये देखिए अब आप देखिए कि दोनों एनिमल्स दो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं फाइन ये एक तरफ हमारे पास पेंगुइन है जो कि एक बेसिकली बर्ड है लेकिन वो उड़ती नहीं है पानी में तैरती है मराइन बर्ड है और ये डॉल्फिन है हमारे पास जो कि डॉल्फिन बेसिकली मैमल है एक्वेटिक मैमल है पानी में रहने वाला है अब दोनों में क्या होता है कि फ्लिपर्स प्रेजेंट है इसमें यह यहाँ फ्लिपर है और इनमें विंग्स नहीं होंगे विंग्स की जगह इनके पास फ्लिपर्स होते हैं तो दोनों के पास फ्लिपर्स प्रेजेंट हैं अब ये जो फ्लिपर्स हैं होमोलोगस ऑर्गन होंगे कि एनालोगस ऑर्गन्स होंगे मैंने आपको एक बात समझाइए जब भी कभी ऐसी समस्या आपके सामने आए आप सबसे पहले ये पता करें कि वो स्ट्रक्चर जिसको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं वो उनके कॉमन एनसिस्टर में प्रेजेंट था या नहीं था तो ऑब्वियसली हम इस डायग्राम पर आते हैं अभी देखें कि जो फ्लिपर है ये जो पेंगुइन है वो बर्ड के ग्रुप में आ रही है और दूसरा जो एग्जाम्पल हमने डॉल्फिन का लिया है वो मैमल के ग्रुप में आ रही है ये मैमल और ये बर्ड इनके कॉमन एनसिस्टर के पास ये तो फोर लिम्स थे उनके पास तो फ्लिपर थे ही नहीं इसका मतलब इधर पेंगुइन ने फ्लिपर्स बाद में जाके इंडिपेंडेंटली इवॉल्व किए हैं मैमल्स में डॉल्फिन है या वेल भी ले सकते हैं उन्होंने अपने फ्लीपर्स बाद में जाके इंडिपेंडेंटली इवॉल्व किए हैं इसलिए इनके फ्लीपर्स इनके कॉमन एनसिस्टर में प्रेजेंट नहीं है और जो स्ट्रक्चर कॉमन एनसिस्टर में प्रेजेंट नहीं होगा वो एनालोगस ऑर्गन कहलाया जाएगा तो यहाँ पर ये इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एनालोगस ऑर्गन है ओके अब यहाँ पर भी स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है बच्चों ये एनिमल जो है आपका पेंगुइन टेट्रापोडा से बिलोंग करता है डॉल्फिन भी टेट्रापोडा से बिलोंग करती है इसी एग्जाम्पल में मैं अगर इसको मॉडिफाई कर दूं कि फोर लिम्स ऑफ आप देखिए मैं फ्लिपर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं फोर लिम्स ऑफ पेंगुइन और फोर लिम्स ऑफ डॉल्फिन तो आप क्या करेंगे इनके फोर लिम्स इनके फ्लिपर में मॉडिफाई हो गए नो no डाउट अगर आप इनके इन फ्लिपर्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वही रेडियस अलना वो सारे वर्ड मिलेंगे लेकिन बच्चों फ्लिपर वर्ड और फोर लिम्ब वर्ड में बहुत डिफरेंस आ जाएगा लिम्स की जब आप बात करेंगे तो इन्हीं दोनों एनिमल के जो लिम्स होंगे फोर लिम्स होंगे दे विल बिकम होमोलोगस ऑर्गन्स लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया विंग्स वर्ड आया तो आपने एनालोग किया फोर लिम्स वर्ड आया तो आपने होमोलोगस किया इन दोनों एनिमल में भी वही कहानी चलेगी वही एग्जाम्पल उसी तरीके से मॉडिफाई होगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इनके फ्लिपर्स क्या है तो देअर फ्लिपर्स आर एनालोग ऑर्गन क्योंकि इनके कॉमन इंसेस्टर में फ्लिपर्स नहीं थे इन्होंने इंडिपेंडेंटली इवॉल्व किए हैं बाद में जाके और अगर इनके फोर लिम्स पूछा जाए तो दोनों क्योंकि मैमल्स हैं और फोर लिम्स तो इनके भले ही वो फोर लिम्स फ्लिपर में मॉडिफाई हो गए पर फ्लिपर एज ए फोर लिम्स होमोलोगस हो जाएंगे फ्लिपर एज ए फ्लिपर ऑर्गन्स होंगे जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में विंग्स एज होमोलोग एनालोगस ऑर्गन होंगे बट विंग्स एज ए फोर लिम्स दे विल बिकम होमोलोगस ऑर्गन तो ये एग्जाम्पल एक और उसी तरह का इंटरेस्टिंग है आगे बढ़ते हैं बच्चों और फिर एग्जाम्पल लेते हैं फिन्स ऑफ फिशेज एंड फ्लिपर ऑफ सील तो ये सील की जगह आप डॉल्फिन ले सकते हो डॉल्फिन की जगह आप वेल ले सकते हो इसमें हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रह रहेगा ये बिल्कुल एनालोगस ऑर्गन है क्योंकि फिशेज ने अपने हिसाब से अपने फिन्स इवॉल्व किए हैं बाद में जाके सील और डॉल्फिन और वेल ने अपने अपने फ्लिपर्स बाद में जाके दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्लिपर होते हैं वो भी स्विमिंग में हेल्प करते हैं फिन्स जो हैं वो भी स्विमिंग में हेल्प करते हैं लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर इनका ओरिजिन सब कुछ डिफरेंट है तो इस तरह से दे आर कंसिडर्ड एज ऑन एनालोगस ऑर्गन्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टिंग ऑफ बी जो हनी बी होती है उनका जो स्टिंग एपरेटस है और इसी तरह से स्कॉर्पियन जो होते हैं उनमें भी एक स्टिंग एपेरेटस होता है लेकिन दोनों के स्टिंग एपेरेटस का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है देयर फोर आर ऑल्सो एनालोग ऑर्गन फिर एक और एग्जाम्पल लेता हूं बड़ा अच्छा है फाइलो क्लेड ऑफ रस्कस रस्कस एक प्लांट है ये एग्जाम्पल मैं प्लांट से ले रहा हूं फाइलो क्लेड ऑफ रस्कस एंड लीफ एंड लीफ अब देखिए बच्चों किसी प्लांट की लीफ फोटोसिंथेसिस का काम करती है स्टेम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो हमारा प्लांट है ना रसकस इसका जो स्टेम है वो फ्लैट हो जाता है ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेटिक हो जाता है व्हाट इज फिल्लोक्ड ये बेसिकली फ्लैट ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक स्टेम जो होता है फोटोसिंथेटिक स्टेम जो होता है उसी को हम फिल्लोक्ड कहते हैं तो अब क्लियर हो गया बच्चों आप अगर एक स्टेम को एक लीफ से कंपेयर करोगे तो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हुए ना लीफ लीफ है स्टेम स्टेम है है ना दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम हो रहा है यहाँ पर लीफ फोटोसिंथेसिस का काम का कर रही है और एक ऐसा स्टेम जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है या फोटोसिंथेसिस करता है जिसे हम फिलोक्लेड कहते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एस एनालोगस ऑर्गन क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होगा स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा लेकिन काम दोनों सेम कर रहे फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं इसलिए दे आर ऑलो ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनालोगन एक और एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों में जो कभी पूछा जा सकता है क्लोरेगोगन सेल्स आपने नाम सुना होगा क्लोरेगोगन सेल्स ऑफ फेरेटिमा फेरेटिमा मतलब आपका अर्थवर्म है ये एंड लीवर ऑफ vertebrates liver of vertebrates now this is another example jo hamara earthworm hai uski intestine ki surface par wo surface jo coelom ko face karti hai fir se repeat kar raha hu earthworm की intestine की, की जो outer surface है जो उसकी सिलोमिक fluid को face करती है वहाँ उसमें कुछ cells होती है जिन्हें हम क्लोरेगोगन सेल्स कहते हैं और ये सेल्स ग्लाइकोजन का स्टोरेज करती है और वर्टिब्रेट्स में जो लीवर होता है वो भी ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है तो फंक्शन दोनों का सेम हो गया लेकिन आप एक लीवर के स्ट्रक्चर को और क्लोरेगोगन के स्ट्रक्चर को सेम नहीं मान सकते इनका ओरिजिन डिफरेंट है ये एनिमल्स ही काफ़ी डिस्टेंटली रिलेटेड है उन स्ट्रक्चर का फंक्शन सेम हो गया क्या फंक्शन है यहाँ पर ग्लाइकोजन का स्टोरेज करते हैं ग्लाइकोजन का स्टोरेज करते हैं तो फंक्शन से हमें स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है ऑरिजिन डिफरेंट है एंड देयर दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनालोगस ऑर्गन एक और ले लेता हूँ मैं हैंड्स ऑफ मैन हमारे हाथ एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट ट्रंक ऑफ एलिफेंट तो जो काम हम अपने हाथों से करते हैं वही काम एलिफेंट अपनी ट्रंक से करता है लेकिन हाथ का इंटरनल स्ट्रक्चर और ट्रंक का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा देर फॉर दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनालोग ऑर्गन सिमिलरली हमारे पास है पटैटो एंड स्वीट पटेटो तो अब ये देखिए आप पटेटो एंड स्वीट पटेटो पटेटो जो है ये बेसिकली एक स्टेम होता है और जो स्वीट पटेटो है शक्कर जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली रूट होती है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है क्या फंक्शन है दोनों का फंक्शन है फूड का स्टोरेज करना तो बहुत आर फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर है फंक्शन सेम हो गया ओरिजिन डिफरेंट है एंड देयर फॉर पोटैटो एंड स्वीट पटेटो आर कंसिडर्ड एज एनालोगस ऑर्गन सिमिलरली एक लास्ट एग्जाम्पल और ले, ले लेता हूँ मैं जैसे हमारे पास डॉग फिश है तो डॉग फिश यानी स्कॉलियोडोन रियल फिश है और एक ले, ले लेता हूँ मैं वेल तो वेल तो मैमल है अब लेकिन डॉग फिश और वेम वेल को जब आप कंपेयर करो तो ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट है इनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे सेम हो जाएंगे बाहर आ, बाहर से देखने पर एक्सटर्नल अपेयरेंस जो होगी वो सेम हो जाएगी दोनों की स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी इनके पास फिन होंगे डॉग फिश के पास लेकिन वेल के पास फ्लिपर होंगे तो ये स्ट्रक्चर्स बच्चों होमोलोगस नहीं हो सकते एंड देयर फॉर दीज टू एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज एनालोगस ऑर्गन तो ये मैंने आपको कई सारे एनालोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल बताए बच्चों एनालोगस ऑर्गन्स की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई है उस डायग्राम पर वापस आते हैं ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे मैंने क्या बताया है आपको एनालोगस ऑर्गन्स किन एनिमल्स में मिलते हैं ध्यान से सुने एनालोगस ऑर्गन्स उन एनिमल्स में मिलते हैं जो डिस्टेंटली लोकेटेड रिलेटेड होते हैं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है काफ़ी डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज होती है पर वो एक कॉमन हैबिटेट में चले जाते हैं किसी एक कॉमन हैबिटेड एयर में रहने चले गए या पानी में रहने चले गए और उस कॉमन हैबिटेड के लिए उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर जो बाहर से दिखने में सेम होगा जिसका फंक्शन सेम होगा लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट हो जाएगा तो उस स्ट्रक्चर को हम एनालोगस ऑर्गन कहेंगे इस तरह से एनालोगस ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और इस तरह का जो इवोल्यूशन है इस इवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अडप्टिव कन्वर्जेंस और पैरल इवोल्यूशन कहते हैं तो ये तो मैंने यहां आपको एक्सप्लेन कर दिया लेकिन हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जो पैरल इवोल्यूशन को प्रूव करता है ध्यान से समझेंगे मैं यहां पर डायग्राम बता रहा हूं आपको एक और इस डायग्राम को आप देखिए वेरी गुड एग्जाम्पल ये हमारे पास ध्यान से समझेंगे बुक जो हमारी दे रखी है उसमें कुछ मिस्टेक्स तो यहाँ मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ लेंगे एक तरफ हमारे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मार्सुपियल्स मैं आपको पहले ही एक डायग्राम में बता चुका हूँ वो डायग्राम फिर से शो करता हूँ जब मैंने आपको अडप्टिव रेडिएशन बताया है तो उस अडप्टिव रेडिएशन के समय हम एक इस डायग्राम को देख चुके हैं अब आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये मैंने होमोलोगस ऑर्गन्स के समय दिखाया मैंने आपको ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो शुरुआत में कोई मार्सुपियल्स का ग्रुप रहा होगा मार्सुपियल एनिमल्स का ग्रुप रहा होगा उन्हीं मार्सुपियल्स से बाद में जाके डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट टाइप ऑफ मार्सुपियल्स इवॉल्व हुए हैं ये जितने एनिमल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों इनमें सभी के पास एक मार्सुपियल पाउच होगा जिसमें ये अपने बच्चों को रखेंगे और फीडिंग कराएंगे ये जो मार्सुपियल बैग होगा इनका जो मार्सुपियल पाउच होगा वो होमोलोगस ऑर्गन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इन एनिमल्स को भी ध्यान से देखिए आप शुरुआत में आपके पास एक ही स्पीशीज थी लेकिन डिफरेंट हैबिटेट में देखो ये शुगर ग्लाइडर जो है ये पेड़ पे रहने चला गया इसके पास ये पटेजियम विंग्स बने मार्सुपियल मोल इसको देखिए आप ये इंसेक्टिवोरस ये कोआला पेड़ पर चढ़ने के लिए बेंडीकूट ये भी इंसेक्ट खाना है वॉम्बेट कंगारू जो घास वगैरह खाएगा इधर हमारे पास ये एंटीटर है ये मार्सुपियल रेड चूहे ये कैट टाइगर कैट जो है तस्मानियन वुल्फ ये ये सारे जो एनिमल्स हैं बच्चों दे आर अडप्टेड फॉर डिफरेंट हैबिटेट बाद में जाके इवॉल्व हुए हैं इनकी बॉडी का शेप चेंज हुआ इनके जो ऑर्गन्स हैं उनके शेप चेंज हुए इनके दांत थोड़े से डिफरेंट हुए इनके लेग्स डिफरेंट हुए इनकी टेल डिफरेंट हुई इनका माउथ का शेप डिफरेंट हुआ किस वजह से डिफरेंट हुआ क्योंकि इनको अलग अलग तरह के फंक्शंस करने थे उनसे अलग अलग तरह के काम लेने थे तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अडप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक एनिमल से कई तरह के एनिमल्स बने बताओ बच्चों इनमें किस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तो इनमें आपको होमोलोगस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे क्यों क्योंकि कॉमन एनसेस्टर से सभी इवॉल्व हुए हैं इसलिए इनके पास इन सभी एनिमल्स में आपको होमोलोगस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे अब वापस ऊपर आ रहा हूँ मैं और आप एक काम करें कि इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को देखें यहाँ पर मैंने वही एनिमल उठाएं मार्सुपियल मोल, नंबेट ये एंटीटर होता है मार्सुपियल माउस स्पॉटेड कसकस फ्लाइंग फेलेंजर तस्मानियन टाइगर कैट तस्मानियन वुल्फ अब आप क्या करें कि सिर्फ राइट right साइड पर ध्यान दें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स पर ही ध्यान दें और मेरा एक स्टेटमेंट सुने मैं आपको यह कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो इनिशियली एक ओरिजिनल मार्सुपियल्स रहे होंगे उन्हीं से बाद में जाके इन सभी मार्सुपियल्स का इवोल्यूशन हुआ है ओके okay? और इनमें अलग अलग तरह के ऑर्गन्स स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डप्टिव रेडिएशन ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है या नीचे लिखा हुआ है रेडिएशन अब वापस ऊपर वाले डायग्राम पर आ रहे हैं अब आप ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पर ध्यान मत दें और लेफ्ट साइड में जो मार्सुपियल मैमल्स लिखा हुआ है सॉरी प्लेसेंटल मेमल्स जो लिखा हुआ है उन पर ध्यान दें ये हमारे पास प्लेसेंटल मेमल है मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वो एंटार्क्टिका से सेपरेट हो गया था एट द टाइम ऑफ कॉन्टिनेंटल शिफ्ट और जब ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका से सेपरेट हो गया तो सेपरेट होने के बाद उसमें इन सभी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का इवोल्यूशन हुआ लेकिन ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनमें बाद में जाकर जो ट्रू मेमल्स हैं जो एडवांस मेमल्स हैं जिनको हम प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं इनका इवोल्यूशन हुआ अब एक बड़ी मज़ेदार बात हुई बच्चों कि जिस तरह की डिफरेंट हैबिटेट्स ऑस्ट्रेलिया में थी उसी तरह की डिफरेंट हैबिटेट्स पूरे दुनिया के बाकी के कॉन्टिनेंट्स में भी थी तो जरा सोचो कि ऑस्ट्रेलिया में एक एनिमल ये नंबेट की बात कर रहा हूं ये एन बना सिमिलरली जो बाकी के कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर जो प्लेसेंटल मेमल्स थे उनमें से भी एक एंटीटर बना और अगर आप इस प्लेसेंटल एंटीटर को नंबेट से कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि दोनों का स्ट्रक्चर एक्सटर्नली काफ़ी सेम है इज़ दैट क्लियर समझ में आया आपको ये बात समझ में आ रही क्योंकि इसने भी अपने आप को इंसेक्ट्स को खाने के लिए एंट्स को खाने के लिए अडप्ट किया है और इसमें नए नए चेंजेस आए सिमिलर चेंजेस अपीयर्ड इन द एंटीटर लेकिन ये हमारा प्लेसेंटल मैमल है व्हाट आई वांट टू से कि जैसा इस एंटीटर के साथ हुआ है वैसा माउस के साथ भी हुआ प्लेसेंटल मैमल्स में एक माउस का इवोल्यूशन हुआ उधर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में भी एक मार्सुपियल माउस बना इस एग्जाम्पल के देखो यहाँ आ जाओ फ्लाइंग स्क्रल हमारे राजस्थान में भी मिलती है ये जो फ्लाइंग स्क्रल है ये प्लेसेंटल मैमल है इसमें जो है विंग्स बने पटेजियम बने एग्जैक्टली exactly हम विंग्स क्या कहें पटेजियम स्किन का जो एक्सपांशन होता है उसको पटेजियम कहते हैं और सिमिलर पटेजियम फ्लाइंग फैलेंजर जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स होते हैं उसमें भी बना ओके okay, तो व्हाट आई वांट टू से जिस तरह के एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हो रहे थे उसी तरह के एनिमल्स दूसरा जो बचा हुए हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वहाँ पर भी इवॉल्व हो रहे थे लेकिन वो प्लेसेंटल मेमल्स थे तो ये मेमेलियन का ग्रुप अलग है ये मेमेलिया का ग्रुप अलग है ओके okay, तो ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंटली रिलेटेड हुए ये सारे आपस में क्लोजली रिलेटेड है ये सारे आपस में क्लोजली रिलेटेड है लेकिन ये और ये आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं है ये ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व होने वाले मार्सुपियल मैमल्स हैं ये बाकी के कॉन्टिनेंट पर इवॉल्व होने वाले प्लेसेंटल मैमल्स हैं लेकिन हुआ क्या कि दोनों ही तरह के एनिमल्स में एक जैसे हैबिटेट में जाने के लिए सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नाउ इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स का इवोल्यूशन हुआ है उसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलें कि उसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलें आ ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अभी यहां मैंने कहा कि ये सारे एनिमल्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है और यहां मैं इन्हीं जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं यहां यह बताना चाह रहा हूं आपको कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ओके तो यहां यह मैं लिख रहा हूं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो इसको आपको अब समझना है मैं मेन कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट पर आ रहा हूं बच्चों अगर आपसे ये वाला डायग्राम आ जाए डायग्राम नहीं भी आए और स्टेटमेंट ये दे कि ओरिजिनल एक मार्सुपियल ग्रुप से बाद में कई सारे मार्सुपियल का बनना क्या कहलाया जाएगा तो हम कहेंगे कि यह अडोप्टिव रेडिएशन है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है और इन सारे एनिमल्स में होमोलोगस ऑर्गन मिलेंगे नाउ इफ आई कंपेयर अब कंपेरिजन की बात आ रही कि वेन यू कंपेयर ए मार्सुपियल मोल वेन यू कंपेयर ए मार्सुपियल मोल विथ प्लेसेंटल मोल तो ये जो दोनों एनिमल्स हैं ये आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं क्योंकि दोनों डिस्टेंट ग्रुप से थे अलग अलग ग्रुप से थे इज दैट क्लियर शुरू वाली कहानी आ रही दो एनिमल्स बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप लेकिन कॉमन हैबिटेट में गए मोल और ये मोल दोनों मोल बरो बनाने के लिए मॉल्स बरो बना के अंदर रहते हैं तो दोनों जब बरो बनाने लगे तो दोनों ने सेम स्ट्रक्चर्ड इवोल्व किया पर क्योंकि ये दोनों एनिमल्स डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और बाद में इंडिपेंडेंटली सेम स्ट्रक्चर्स को इन्होंने डेवलप किया तो दिस आर द दिस टू एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और, और इनमें जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो स्ट्रक्चर ये दोनों एनिमल को अगर आपको कंपेयर करना होगा तो ये आपके एनालोग एनिमल्स हैं इज दैट क्लियर समझ में आई सिमिलरली अगर आप एंटीटर और मार्सुपियल एंटीटर को कंपेयर करोगे माउस और मार्सुपियल माउस को कंपेयर करोगे लीमर और स्पॉटेड कसकस को कंपेयर करोगे फ्लाइंग और फ्लाइंग फैलेंजर जो मार्सुपियल है इसमें मार्सुपियल पाउच होता है इनको कंपेयर करोगे तो इन एनिमल्स को जब आपस में कंपेयर करोगे तो दिस दिस विल बिकम द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लेकिन अगर आप सिर्फ इन्हीं की बात करें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की ही बात करें तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस

और पैरेल इवोल्यूशन इसे हम पैरल इवोल्यूशन भी कहेंगे इज दैट क्लियर समझ में आया तो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड हेयर इज द कॉन्सेप्ट लास्ट में मैंने आपको दोनों का कॉन्सेप्ट समझाया कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल किस चीज के एग्जाम्पल है तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल दोनों के एग्जाम्पल है वो अडप्टिव रेडिएशन के भी हैं और वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के भी वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के भी हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के भी है जब खाली अकेले ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की बात की जाए तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ अडप्टिव रेडिएशन बट वेन यू कंपेयर द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल विद द प्लेसेंटल मेमल्स ऑफ अदर कॉन्टिनेंट्स एक एनिमल को उससे उसके कंपेरेबल दूसरे एनिमल के साथ आपस में कंपेयर करेंगे तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल की डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं एक मार्सुपियल ग्रुप से बिलोंग करता, करता है पर इन्होंने सेम हैबिटेट में गए तो सेम टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप कर दिए देट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और अडोप्टिव कन्वर्जेंस तो बच्चों इसी के साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं एनालोग हमारा कंप्लीट होता है यह मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे और किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे आई होप थैंक यू वेरी मच